रांची लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही चेकिंग में शुक्रवार को रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के चाय बगान कालीनगर से स्थानीय पुलिस ने एक नैनो कार से लगभग 51 लाख रुपए नगद बरामद किए। पुलिस ने नैनो कार के मालिक निरंजन प्रसाद के साथ दो महिलाओं को भी पकड़ा है। निरंजन प्रसाद पूर्व में लोहरदगा के माइनिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, सर्विलेंस टीम्स हैं, उनको तुरंत इन्फॉर्म किया जाता है और प्रशासन तुरंत एक्शन लेता है। और मेरी और भी सभी लोगों से अपील है कि किसी के पास भी व्यय से संबंधित चुनाव से रिलेटेड कोई भी सूचना हो तो वो तुरंत अपने इंचार्ज थाने में या हम लोग जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ पर प्रतिनियुक्त हैं उनको तुरंत सूचित करें तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर कितना रकम बरामद हुआ है मैम अभी तक? यहाँ पर 50 लाख 91 हज़ार 800 रुपये। फिलहाल पूछताछ चल रही है? हाँ, अभी इसका कुछ इन्वेस्टिगेशन, अभी आज ही की बात है तो इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है। अंडर ठीक।